स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, सुबह सुबह हो गई है और मैं निकल गया हूँ मस्त से मौसम में। जैसे सलमान खान गया था मुन्नी को छोड़ने, हम हमारी बहन को छोड़ने जा रहे हैं। ये पढ़ने के लिए आई थी, इसके 10th के एग्जाम है और उसने अभी काफी इनफ पढ़ाई कर ली, अब गांव जाके वापस पढ़ाई करेगी, नाम रोशन करेगी, देखते क्या बनती है बड़े होके। मैं तो कुछ बन नहीं पाया चलो अब चलते छोड़ में। इस बिचारी को भी दिलासे दिए जा रहे हैं कि 10th है पढ़ ले, फिर 12th में पढ़ लेना, फिर जिंदगी अच्छी होगी। सबको पता है दोस्तों जिंदगी कितनी अच्छी होने वाली है। दोस्तों आपका नूबड़ा ब्लॉगर रिपोर्टिंग अगेन, और गलती कर दी है कि हर्षिता जा चुकी, मैंने शूटिंग करना भूल गया, क्योंकि मेन काम जो है अपने मम्मी को लेने जा रहे हैं। अपन बहन के ससुराल में है मम्मी पापा, तो उनको लेने जा रहा हूँ, और फिर हर्षिता उतर गई, ब्लॉग नहीं बनाया, तो अब ठीक है कोई बात नहीं। बीच में कचौड़ी भी खा ली दोस्तों, क्या कचौड़ी मिलती है, मेरे को तो एकदम ऑर्गेज्म आ जाता है। बाकी अब चलते हैं, और चलते हैं, नींद आ रही है, मैं तो क्या पता क्यों पहुंच जाऊँ, भगवान से दुआ करना दोस्तों। दोस्तों आज सारा ब्लॉग लगता है मैं कार में ही बना लूंगा, और अभी हम मम्मी पापा को उठा के ले आए हैं, पीछे दिखा दो। उठा के लिया है क्या? कचरा नहीं हो मम्मी तुम, पर तुम्हें उठा के लाए हैं, समझी? हम तो खड़े हुए थे, सोए थोड़ी थे। अलग अलग परिभाषा है दोस्तों, कोई बोलता है कचरा था उठाना है, कोई बोलते हैं हम पड़े थोड़ी थे जो उठाना है। और अभी बहन को मत दिखाना, पर बहन का खाना खाने का टाइम हो गया, वो खाना खाते वक्त आती नहीं कैमरे के सामने, तो चला। अरे 80 पे है पापा अभी अभी जब, ठीक है भैया दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन है मेरे साथ आज, तो अपन ब्लॉग यहीं रोकते हैं, अपन आगे चल के बनाएंगे अभी रोक के। अभी कह रहा धीरे चला, अभी कह रही चल पे मोड़ दी, ठीक है दोस्तों अभी फिर से बताता हूँ मैं क्या चल रहा है। दोस्तों हमारे घर का बदमाश वापस आ चुका है, क्या कर रहा है बदमाश? क्यों बना रहा है? खाना अब बना रही है, ये कोई टाइम है खाना बनाने का? टाइम पता है तुम्हें कितना हो रहा है? बहुत ज्यादा भूख लग रही है मुझे, खाऊंगा यार, मेरा पेट दुख रहा है। मम्मी तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? भूख से दुख रहा है, तुझके पेट बोल रहा है पेट खराब है मेरा। हाँ वो शायद खराब है इसलिए दुख रहा है पेट। ठीक, ये चूरन ही खिलाते रहते घर भर के मुझे, वो चूरन खाने से पेट का सब हजम हो गया, अब वो दर्द कर रहा है पता है। दोस्तों हमारी बहन आई हुई है हमारे घर पे, देखो इसका मुंह छुपा के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो ये हमारी बहन आई हुई है हमारे घर पे, और इसने बोला कि अभी मेरा मुंह मत दिखाना, तो शायद ये व्लॉग में जब भी आएगी फिर इसके मुंह पे मेहनत नहीं करूंगा मैं, तो साथ में एक जैकेट लेके घूमूंगा इसके सामने टांगूंगा ऐसे के। ये देखो मेरी वीडियो देखती रहती है दोस्तों, ये मेरी सबसे बड़ी फैन है, ये इसने मेरी सारी वीडियो देखी, ये आके मुझे एक एक पॉइंट बता देती है कि कहां पे मैंने क्या क्या बोला था, तू यहां क्यों गया, तू वहां क्यों गया, ऐसे बनो दोस्तों पक्के सपोर्टर एकदम। यहां पे एक मेहनती आदमी बैठ के काम कर रहा है दोस्तों, तो उसको अपन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारे पिताजी, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें। यहाँ पे ये लड़की काम कर रही है, क्यों लड़की कहाँ गई थी तुम? तमीज तहजीब और मस्ती मजाक में फर्क होता है, क्या बोल रही हो? क्या लड़की तो तारीफ होती है, लोग तो बोलते हैं कि हमें छोटी उम्र का समझो, लड़की समझो पता कुछ? तुम्हें लड़की नहीं सुनना, बुड्ढी सुनना चाहती हो तुम? क्यों बोलो, क्या चाहती हो बताओ जिंदगी से? बोले वही सुन लेंगे यार, ऐसा थोड़े मैं तुम्हें, ये तो ऐसे बोल रही है जैसे बड़ी परेशान होंगी, ये बूढ़े माँ बाप को परेशान करके रखा है मैंने, क्या बताना चाहती हो तुम दुनिया को? क्यों क्या? ऐसी बातें मत करा करो मम्मी कि जैसे मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, जो बोलेगा वो सुन लेंगे हम तो बोलेगा वो अच्छा लगेगा। वैसे भी लोग मेरे ऊपर लांछन लगाते हैं कि तुम अपने माँ बाप को तुम करके बोलते हो, इज्जत नहीं देते, तो तुम्हें इज्जत फील होती है कि नहीं मेरी तरफ से? ये देखो दोस्तों पैर भी छू लेता हूँ इज्जत के लिए, ठीक है? ठीक है, इज्जत दी ही नहीं दी, ठीक है पूरी इज्जत मिल चुकी है दोस्त। और इससे जो आप लोग पूछ रहे थे कि इसकी शादी कब हो गई, कैसे हो गई, तो भैया तुम्हारी शादी कैसे हो गई है, सबकी होती है, लोग दीपू जी की एज पूछ रहे थे, जीजा जी की एज नहीं बताना, ठीक है? बाकी दोस्तों ये मेरी पर्सनल प्राइवेट चीजें हैं, मेरी नहीं है, 28 साल के हमारे जीजा जी, पता है तुम्हें? क्या तू क्या देख रही है, कोई एज नहीं बताना था, इनने बता दी, क्या बोल रही हो तुम? 28 साल के हैं वो, तो दोस्तों मैं भी 27 साल का हूँ, मैं शक्ल से बड़ा लगता हूँ क्या तुम्हें? है जज क्यों करने लगते हो शक्ल देख? और इसकी इसकी शादी का सारा सच अपन इससे बिठा के जानेंगे एक आध दिन, ठीक है? तो टेंशन मत लेना, मैं हूँ मैं तो सब बताऊंगा। बाकी अभी खाने चलते, भूख लग रही है मुझे। हाँ यार कुछ बाहर खाने जा रहा हूँ, मेरा पेट ऐसा मन कर रहा है। क्या बोल रही है? हाँ मैं बाहर खाऊंगा, बता तेरे को खाने थे? ये पता है ये दोस्तों जो इंसान यहाँ पे मुंह चला रहा है ना, खुद अभी आलू बड़े लेके आया है चार, तो मैं भी तो बाहर से आया हूँ, मैं क्या घर में था? अच्छा ठीक है, नहीं मेरा सही है, मेरे को बाहर खाना है तो खाने में तो जा रहा हूँ खाना। तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगी मम्मी? क्यों लड़की तुम खाओगी क्या कुछ? ठीक है तुम खाओगी क्या लड़की? दोस्तों ये देविका की भी फैन है, देखो ये देविका की वीडियो देख रही है। क्यों तुम देविका की फैन हो क्या? और किस किस की फैन हो बहन तुम? बताओ किसकी फैन हो? मेरी फैन नहीं है तू? ठीक है दोस्तों ये मेरी कट्टर फैन है, बस बात खत्म, बस मेरे को मेरे फैन चाहिए, कट्टर फैन एकदम। ये ऐसे ही जिद करती है अपनी बेटी से कि कुछ खा ले कुछ खा ले, वो कद्दू कुछ नहीं खाती, सूख के पापड़ कांटा हो गई है। मैं घर पे बॉडी शेमिंग कर सकता हूँ दोस्तों, अब यहाँ पे मत आ जाना कि बॉडी
बॉडी शेविंग कर दी, मैं घर पे कर सकता हूँ, हमारे घर के घर में कर सकते हैं हम, यहाँ हमारे रूल चलते मन के। तो अभी चलने से पहले दोनों पहलवानों को फोन लगा के देख लेता हूँ, जो पहलवान फ्री होगा वो आ जाएगा खाने, वरना अपन तो खा के आ ही जाते हैं। मैंने हमको जाम दे दिए बाहर जाने से पहले। तुम तो इधर बैठी हो, मिक्सी कौन चला रहा है? दोस्तों देख के आते जरा मिक्सी चल के चलेंगे। क्यों क्या कर रहे हैं मिक्सी में? मसाला पीस रहे हो? दोस्तों ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। क्यों बाबा, तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता? अच्छा ये दोस्तों मेरे को भगा देते घर से अगर मैं इनकी इज्जत नहीं करता। अच्छा तुम भग जाते हो? हाँ तो देख लो दोस्तों, मेरे घर वालों का मैटर बहुत ज्यादा सिंपल है, तो तुम लोग टेंशन मत लिया करो इस बात की। जिस दिन भी ऐसा फील हो कि इज्जत नहीं कर रहा मैं इनकी, तो ये भग जाएंगे शायद, मैं भी इनके पीछे भगूंगा और ब्लॉग बना के बताऊंगा कि देखो भागा थोड़ी चल रही है। अच्छा अच्छा ये कितने खुश कितनी है ऐसी बातें करते हुए। क्या मतलब जैसे हम भाग जाएंगे? हाँ पास नहीं रहेंगे। हाँ उस दिन समझ लेना हमारी इज्जत करना। वाह दोस्तों, इज्जत का ही धागा है जिसकी वजह से हम लोग साथ में बंधे हुए हैं। प्रेम भी होता है? प्रेम भी होता है? तो प्रेम तो देख ही नहीं रही तुम, तो इज्जत ही इज्जत देख रही हो। थोड़ा सा अच्छा ये डिफरेंस क्या पता कौन सी हिंदी की किताब में पढ़ा है दोस्तों इसने, ये इज्जत का धागा जिस दिन टूट गया उस दिन हम मोती की तरफ बिखर जाएंगे। बाकी अभी हम चलते कुछ खाने वरना हम यही फैल जाएंगे। आ गया इनके घर से फोन, लग गई बात। बाकी बहुत ज्यादा थक गए थे दोस्तों, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।